सामने खड़ी है अपने रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 मिलिट्री रेड वेरिएंट, और आज की वीडियो में इसकी मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं। अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो लॉन्च हुई है अभी सितंबर 2023 में बुलेट मेरी जान के नाम से, वही वाला मॉडल रहने वाला। अब शुरू करते हैं हेडलाइट से। हेडलाइट आपको काफ़ी बड़ी देखने को मिलती है, हेलोजन बल्ब के साथ ही आती है। हेडलाइट के चारों तरफ आपको क्रोम की पट्टी देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी लग रही है। मैट्योर जो बाइक है उसमें भी यही हेडलाइट आती है। बात करें इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलते हैं, साथ में पीछे की साइड आपको क्रोम देखने को मिलता है। और सस्पेंशन जो है इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है 41mm के, साथ में इसके अंदर आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलता है। और बेस मॉडल होने के कारण इसमें स्पोक व्हील देखने को मिलते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी, बैक में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है। और बात करते हैं इसके DRLs की, जो पुराने मॉडल से आ रहे हैं बुलेट में, स्टैंडर्ड में, क्लासिक में, वही DRLs आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। क्रोम की एक ये जो पत्ती है वो देखने को मिलती है, और काफ़ी एक शौकिया चीज़ है ये। कोई इसमें लाल लाइट लगवाता है, कोई नीली लाइट लगवाता है, वही पुराने शौक इसमें आपको नए मॉडल में भी देखने को मिलते हैं। फ्यूल टैंक इसमें आपको रेड कलर का देखने को मिलता है, जो कि मिलिट्री रेड वाला जो वेरियंट है उसको दिखाता है कि ये मिलिट्री रेड वेरियंट है। और नया लोगो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है प्लास्टिक का 3D में, देखो बिल्कुल फ्रेश जो है ये लोगो देखने को मिलता है। 349 cc का इंजन, एयर कूल इंजन इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि 20 bhp पावर प्रोड्यूस करता है और 27 Nm का टॉर्क इसमें प्रोवाइड कराता है। 5-speed गियर के साथ ये आता है। सेल्फ स्टार्ट इंजन रहने वाला, किक का इसके अंदर आपको ऑप्शन नहीं मिलता। इसके एयर फिल्टर की, तो एयर फिल्टर का जो पोर्शन है पुराने वाले मॉडल से थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है। बात करें बैटरी पैनल की, बैटरी पैनल मेटल का मिलता है, लेकिन बैक साइड में जो इसके प्लास्टिक का जो पार्ट है वो देखने को मिलता है, लेकिन पिछला जो पोर्शन था वो पहले मेटल का मिलता था। सीट थोड़ी सी हार्ड है लेकिन कंफर्टेबल है, आपको लंबे रूट में परेशान नहीं करेगी, दुखी नहीं करेगी। बात करते हैं रियर टायर की, रियर पोर्शन की, तो रियर पोर्शन में आपको वही क्लासिक और स्टैंडर्ड वाला नेटवर्क सस्पेंशन देखने को मिलेगा। रियर प्रोफाइल में रियर सस्पेंशन आपको क्रोम में देखने को मिलेगा, और इसमें आपको लेडीज फुट रेस्ट भी देखने को मिलेगा, ये इनबिल्ड है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। बात करें चैन कवर की, तो चैन कवर आपको इसके अंदर प्लास्टिक का देखने को मिलेगा, ये आपको टॉप मॉडल में प्लास्टिक का मिलेगा, ये बेस मॉडल है इसमें भी आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा। सीट के पीछे एक आपको ये हैंडल मिल जाएगा पकड़ने के लिए, बैठने के लिए, कोई पीछे बंदा बैठा है, दो बैठे, तीन बैठे, वो गिरे ना। बात करें टेल लाइट की, टेल लाइट वही आपको मेट्योर की याद दिलाएगा, गोल्ड टेल लाइट है, साथ में आपको क्रोम की पट्टी के साथ देखने को मिलेगा। ये आपको रॉयल इनफील्ड की आपको बैजिंग देखने को मिलेगी लाइट के ऊपर। इंडिकेटर वही क्रोम में देखने को मिलेगा हैलोजन बल्ब के साथ। रियर जो ब्रेक है वो आपको ड्रम ब्रेक में मिलेगी, क्योंकि ये बेस मॉडल है तो आपको ड्रम का ऑप्शन मिलेगा। टॉप मॉडल होता तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलती, साथ में डुअल चैनल ABS। टायर की साइज़ की प्रोफाइल करें तो 18 inch का इसके अंदर आपको रियर टायर देखने को मिलेगा, और फ्रंट का टायर जो है वो आपको 19 inch का देखने को मिलेगा, पिछला टायर 1 inch छोटा है, ठीक है। बात करें एग्जॉस्ट की, तो एग्जॉस्ट आपको फुल्ली क्रोम में देखने को मिलेगा, वही पुराना स्टाइल जो पुराने मॉडल में इंजन क्रोम का आता था, साइलेंसर क्रोम का आता था, सस्पेंशन क्रोम में आते थे, फिर लोग इनको शौक में बफिंग कराते थे, कुछ टाइम के बाद ये डल हो जाते थे, तो वही पुराने शौक आपको नए मॉडल में देखने को मिलेंगे। इसी का नाम है बुलेट मेरी जान। अब बात करते हैं फ्रंट टायर की, तो बाय बर्क इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे है इस वेरियंट में, इसके जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छे है। स्पोक व्हील में आपको ये टायर देखने को मिलेगा, और ट्यूब वाले जो टायर है इसमें आपको दोनों टायर देखने को मिलते हैं। बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो वही क्लासिक वाला आपके इसके अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, और वही नए स्टाइल के जो स्विचेज है वही देखने को मिलेंगे, जो आपके इस टाइम पे हंटर में आ रहे हैं, क्लासिक में आ रहे हैं, मेट्योर में आ रहे हैं। और इसके जो ब्रेक हैंडल है, क्लच हैंडल है, वो आपको एलुमिनियम के देखने को मिलेंगे, और क्रोम के इसके जो साइड मिरर है ना वो देखने को मिलेंगे। क्रोम का इसके अंदर दोस्तों भर के यूज़ कर रखा है, और इसका फ्यूल टैंक जो है 13 लीटर का रहने वाला है, E20 वाला जो वेरिएंट ये रहने वाला है BS6, 13 लीटर का इसका फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। और सीट की जो लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी है, 2-3 बंदे आराम से बैठ जाएंगे, कंफर्टेबली, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये थी दोस्तों बुलेट मेरी जान मिलिट्री रेड बेस मॉडल की डिटेल वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, यार वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि हम आने वाले टाइम में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। नमस्कार।